Hey, welcome students to our channel Pharmadoz. Myself Punjes. In the previous lecture, we have already completed the sympathomimetic drugs and cholinergic agonist drugs, their receptors, their classification of drugs, pharmacological action, side effects and clinical uses and therapeutic uses. In this lecture, we will going to discuss about the cholinergic antagonist drugs, such also called as parasympatho lytic drugs or anticholinergic drugs. Another name of cholinergic antagonist is parasympatholytics or anticholinergic drugs. And parasympathomimetic and cholinergic agonist, okay, cholinergic agonist, another name is parasympathomimetic or cholinergic drugs. Classification, ठीक है. कॉलर्जिक जो एंटागोनिस्ट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल एल्केलॉइड्स के अंदर और सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स के अंदर. जो हमारे नेचुरल एल्केलॉइड्स है इसके अंदर ड्रग्स है एट्रोपिन और हायोसिन. जो हमारे नेचुरल एल्केलॉइड्स है इसके अंदर जो एट्रोपिन है ये क्या है, बेसिक कॉमनली प्रोड्रग प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ कॉलर्जिक एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट है हायोसिन, आल्सो नोन एज स्कोपोलामाइन. सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड इज, ये क्या है, इनको क्लासीफाई किया गया है इनके यूज के बेस पे कि इन ड्रग्स को इन इन कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं और इसी बेस पे इनको हमने क्या किया, ईजिली क्लासीफाई किया. इस बेसिस पे आपको क्या रहेगी, ईजिली याद भी रहेगी ड्रग और उनका यूज भी ईजी हो जाएगा याद करना. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज माइड्रेटिक्स, होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड. दीज ड्रग्स आर यूज एज एन माइड्रेटिक एजेंट, ठीक है. होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड. नेक्स्ट है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग. तो इन ड्रग का कैसा एक्शन है, एंटी सिक्रेटरी है, एंटी स्पाजमोडिक एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पीपेंजोलेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पीपेंजोलेट, मीपेंजोलेट, पिरेंजीपिन, आइसोप्रोपामाइड और डाइसाइक्लोमाइन. ठीक है, क्या है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पीपेंजोलेट, मीपेंजोलेट, आइसोप्रोपामाइड, पिरेंजीपिन, डाइसाइक्लोमाइन. जो पिरेंजीपिन है ये सिलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स है. इसके अंदर है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. ब्रोंकोडायलेटर्स में है इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम. यूरिनरी ब्लेडर लेक्सेंट, इनमें ड्रग है सोलीफेनासिन और डायरीफेनासिन. ये दोनों ड्रग M3 की एंटागोनिस्ट है. एंटी पार्किंसन, इसके अंदर है बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन और ट्राईहेक्सफेनिडाइल ड्रग. क्या है, हमने क्लासिफाई किया है इसको नेचुरल एल्केलॉइड्स के अंदर सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक में. नेचुरल एल्केलॉइड्स में हमारे पास एट्रोपिन, हायोसिन है. सेमी सिंथेटिक को फर्दर डिवाइड किया गया 5 कैटेगरी के अंदर, 5 कैटेगरी के अंदर. फर्स्ट वन माइड्रेटिक है, इसमें होम एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकामाइड है. एंटी सिक्रेटरी के अंदर पीपेंजोलेट, मीपेंजोलेट, पिरेंजेपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, डायसाइक्लोमाइन, आइसोप्रोपामाइड. आप कोई भी दो तीन ड्रग यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो. ब्रोंकोडायलेटर्स में इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. यूरिनरी ब्लेडर लेक्सेंट में सोलीफेनासिन, डायरीफेनासिन, ईजीजीसी दोनों ही. एंटी पार्किंसन के अंदर बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन, ट्राइहेक्सफेनिडाइल है ना, ये सब ड्रग्स हैं. अब देखो द प्रोटोटाइप ऑफ दिस ग्रुप इज एट्रोपिन. प्रोटोटाइप क्या है इस ग्रुप का, एट्रोपिन है. द मेन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, ठीक है, जो एट्रोपिन है वो क्या है, इस ग्रुप की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की प्रोटोटाइप ड्रग है. तो इनका मेन एक्शंस क्या है ऑर्गन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे इनका एट्रोपिन का क्या एक्शन है. फर्स्ट वन ऑन आई, ठीक है, तो आई के ऊपर क्या प्रोड्यूस करती है एट्रोपिन, माइड्रेसिस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, जैसे हमने स्टाइलकोलिन का देखा था, स्टाइलकोलिन मियोसिस प्रोड्यूस कर रहा था और एट्रोपिन उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या करेगा, माइड्रेसिस प्रोड्यूस करेगा. डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, मियोसिस क्या थी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, एंड माइड्रेसिस इज द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल. सेकेंड इफेक्ट इज साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट. एट्रोपिन, ओनली एट्रोपिन ड्रग प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट, ठीक है, ओनली एट्रोपिन ड्रग प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट. रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स कॉज
पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, ये क्या करेगी, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से पैरालिसिस होगा एकोमोडेशन का, सो दैट नियर विजन इज इम्पेयर्ड, माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन द कॉर्निया. एट्रोपिन का क्या इफेक्ट है, आई पे एक तो माइल्डेसिस इफेक्ट है, दूसरा साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट है, थर्ड वन नियर विजन को इम्पेयर करेगा, फोर्थ वन क्या है, माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन द कॉर्निया. नेक्स्ट वन क्या है, इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी पे क्या क्या इफेक्ट है. एट्रोपिन इनहिबिट जीआईटी मोटिलिटी एंड यूज एज एन एंटी स्पाजमोडिक एजेंट टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ जीआईटी. एसिटाइलकोलाइन क्या कर रहा था, जीआईटी की मोटिलिटी को इन्हांस कर रहा था, है ना. तो अब हमारा एट्रोपिन क्या करेगा, जीआईटी की मोटिलिटी को इनहिबिट करके उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा, एंटी स्पाजमोडिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. एट्रोपिन इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बिकॉज इट डजेंट रिड्यूस एससीएल प्रोडक्शन. एट्रोपिन को हम पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये एससीएल की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये जस्ट जीआईटी की मोर्टिलिटी को कम करते हैं, ठीक है. तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मोर्टिलिटी कम करेगा तो ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करेगा. सीवीएस, अब कार्डियोवेस्कुलर्स पे आ जाओ, ACH का कार्डियोवेस्कुलर पे इफेक्ट था क्या, नेगेटिव इफेक्ट था. वो क्या कर रहा था, नेक्रियाइनोट्रॉफी, क्रोनोट्रॉफी, ड्रोमोट्रॉफी, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम कर रहा था, हार्ट रेट कम कर रहा था, ब्रैडिकार्डिया कर रहा था, हाइपोटेंशन कोज कर रहा था. तो अब ये क्या करेगा, टैकीकार्डिया कोज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा बाय ब्लॉकिंग M2 रिसेप्टर ऑन SA नोड, ठीक है. हार्ट के ऊपर हमारा मस्कुलिन एक रिसेप्टर M2 है और SA नोड के ऊपर इसको ब्लॉक करके ये क्या करेगा, टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा. पॉजिटिव हमारा क्या, क्रोनोट्रॉफी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट है सिक्रीशन, कि एट्रोपिन का सिक्रीशन पे क्या इफेक्ट है. इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन इनहिबिट ब्रोंकियल सिक्रीशन प्रोड्यूसिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, इसको बोलते हैं हम जीरोस्टोमिया. एक साइड इफेक्ट है इसका, क्या है, जीरोस्टोमिया. एट्रोपिन क्या प्रोड्यूस करता है, माउथ की ड्राइनेस, जिसको बोलते हैं हम जीरोस्टोमिया. दूसरा क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करता है, इन्हांस करता है. जो हमारा एट्रोपिन है ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इन्हांस कर रहे हैं ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ स्वेटिंग एंड स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. ये क्या करते हैं, हमारी स्वेटिंग को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा. दूसरा क्या है, CNS, इट हैज CNS स्टिमुलेटरी इफेक्ट. अब इसके साइड इफेक्ट कर लेते हैं, हमने इनके क्या पढ़े अभी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़े हैं. साइड इफेक्ट देखो, माइड्रेसिस के ऊपर ड्यूस करेगा, क्योंकि आई के ऊपर इसका कैसा इफेक्ट है, माइड्रेटिक इफेक्ट था, ये प्यूपिल को डायलेट कर रहा था. कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी की मोटिलिटी को क्या कर रहा था, डाउन कर रहा था, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा. हार्ट पे क्या कर रहा था, M2 रिसेप्टर और SA नोड ब्लॉक करके टैकीकार्डिया कॉज कर रहा था. यूरिनरी रिटेंशन, ये क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर की जो हमारी UTI की मोटिलिटी उसको ये रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होगा. ड्राई माउथ सिक्रीशन ब्रोंकियल सिक्रीशन को क्या कर रहा था, ये सलाइवरी सिक्रीशन को कम कर रहा था, जिसकी वजह से ड्राई माउथ होगा, जीरोस्टोमिया होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन ड्रग्स के, ठीक है. अब जो साइड इफेक्ट और यूज करोगे ये क्या है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे ही बेस्ड है. आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन, रिसेप्टर की लोकेशन पता चल गई तो आप इजीली उनके साइड इफेक्ट बना सकते हो, इजीली उनके यूज बना सकते हो, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ड्रग, ड्रग एंड थेरापेटिक यूज. ट्राइहेक्सफेनिडाइल बेंजोट्रोपिन, ये ड्रग हमने पहले ही पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, कि ये क्या कर, किस में यूज करते हैं हम, एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग, पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है सोलिफेनासिन, डेरिफेनासिन, इसको हमने किस में पढ़ा था, यूरिनरी ब्लेडर के ट्रीटमेंट में, तो ये क्या करेंगे हम, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लेडर के ट्रीटमेंट में. मतलब जहाँ पे अगर हमारा यूरिन ब्लेडर ओवर एक्टिव है, यूरिनरी अर्जेंसी हो रही है, बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तब हम यूज करेंगे इन डिजीज ड्रग्स को. नेक्स्ट क्या है, एट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट टॉपिकामाइड, ये प्रोड्यूस करती है माइड्रेसिस और साइक्लोप्लेजिया प्रियर टू रिफ्लेक्शन, कि माइड्रेसिस एट्रोपिन को और साइक्लोपेंटोलेट को हम यूज करते हैं माइड्रेसिस और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रियर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ड्रग है इप्राट्रोपियन और टायोट्रोपियम, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि इनका कैसा एक्शन है, ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट है.
स्कोपोलामाइन और डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है, स्कोपोलामाइन अनदर नेम हायोसिन। ठीक है, स्कोपोलामाइन क्या है, विद मॉर्फिन, स्कोपोलामाइन विद मॉर्फिन टू प्रोड्यूस अमनेसिया एंड सिडेशन एंड मोशन सिकनेस। इसको हम यूज करते हैं स्कोपोलामाइन को मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में, दूसरा सिडेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मॉर्फिन के साथ। डाइसाइक्लोमाइन ये भी क्या है, एक अनदर ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, मॉर्निंग एंड मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा इसका क्या है, स्मूथ मसल्स के ऊपर डायरेक्ट रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है इसका, जिसलिए इसको हम डिसमिनेरिया, ठीक है, पीरियड्स के पेन के अंदर यूज करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में यूज करते हैं। ठीक है, डाइसाइक्लोमाइन को। नेक्स्ट होगा एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन को हम कहाँ यूज करते हैं, टू ट्रीट स्पास्टिक डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी एंड लोवरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर जो यूटीआई इन्फेक्शन है उसके अंदर यूज करते हैं हम यूरिनरी ट्रैक्ट के, ठीक है, डिसऑर्डर्स में, जीआईटी के डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं एंटीस्पाज्मोटिक की तरह। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एट्रोपिन यूज होती है, टू सप्रेस रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, सर्जरी से पहले रेस्पिरेटरी सिक्रीशन स्लाइवेशन को, ब्रोंकाइटिस सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए हम एट्रोपिन यूज करते हैं। इन एट्रोपिन टॉक्सिसिटी गैस्ट्रिक लेवल शुड बी डन विद टैनिक एसिड बिकॉज, ठीक है, अगर हमें एट्रोपिन पॉइजनिंग हुई है, उसकी टॉक्सिसिटी हुई है, तो गैस्ट्रिक लेवाज अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, टैनिक एसिड, बिकॉज KMnO4 इज इनइफेक्टिव इन ऑक्सीडाइजिंग एट्रोपिन। ठीक है, कौन सा यूज होएगा, टैनिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अदर यूजेस। हायोसिन इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन मोशन सिकनेस, इट वाज आल्सो यूज एज लाई डिटेक्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, जो हायोसिन ड्रग थी, स्कोपोलामाइन ड्रग थी, वो मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, और लाई डिटेक्टर यूज किया था इसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नैरो एंगल ग्लाउकोमा। ठीक है, नैरो एंगल ग्लाउकोमा के अंदर एट्रोपिन को हम यूज नहीं करते, बिकॉज इट प्रोड्यूस माइडेसिस इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आपका ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट हो चुका है, और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका जो पूरा पैरासिम्पैथोमायोमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और सिम्पैथोमायोमेटिक ड्रग्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।